हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि दिवाली शुरू हो गई है तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन में और नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या रह सकता है, मार्केट की क्या लेवल्स हो सकती है और हमारे क्या ट्रेडिंग प्लान्स होने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि निफ्टी क्या मूवमेंट देख सकती है मुहूर्त ट्रेडिंग में और नेक्स्ट वीक में और हमारे क्या ट्रेडिंग प्लान्स होने चाहिए। तो निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है 19,425 के पास हुई है और 19,450 इसके आसपास ही निफ्टी ने जो है वो क्लोजिंग दिया है। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही उसके आसपास जो है क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मार्केट यहाँ से अब अपमूव देगा या वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मार्केट अपने मेन रेजिस्टेंस जो था उसी के पास क्लोज हुआ है। और जैसे कि बाकी के अगर हम क्लोज देखें कि डाउ जोन्स जो है, नैसडैक जो है, वो ऊपर क्लोज हुए हैं, तो गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन बीच में एक मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन भी है जो कि दिवाली के दिन है। अब मुहूर्त ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो सेशन होता है, तो ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन है वो 1 घंटे का सेशन रहेगा। तो उसे हम जो है इस वीकली में कंसिडर अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग मुहूर्त ट्रेडिंग के समय भी इसके ऊपर दे देता है, लेकिन हमारे लिए जो मेन क्लोजिंग रहेगी वो रहेगी मंडे के सेशन की, कि मंडे के सेशन की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। जो मेन लेवल है 19,450 इसके ऊपर, या 19,500 से फर साइड अगर इसके ऊपर मंडे को क्लोज दे देता है तो मार्केट जो है निफ्टी जो है वो बुलिश जोन में आ जाएगा। और जो नेक्स्ट उसका टारगेट रहेगा 19,560, एक छोटा हर्डल है। उसके बाद में जो सबसे मेन टारगेट 19,450 के बाद, जो अल्टीमेट और मेन टारगेट हमारा नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा वो 19,800 का रहेगा। 19,800 का रहेगा। बीच में एक छोटा सा हर्डल हम कह सकते हैं कि 19,680, ये एक छोटा सा हर्डल है। इसे भी हम एक छोटा रेजिस्टेंस जो है वो मान के चलेंगे। लेकिन मेन लेवल हमारे लिए है 19,450, 19,500। इसके ऊपर अगर हमें मंडे को भी क्लोजिंग मिल जाती है तो निफ्टी जो है फुल बुलिश में आ जाएगा, ये हम समझ के चलेंगे। सपोर्ट जो है वो 19,330-320 का रहेगा। और इसके अगर क्रॉस करता है किसी वजह से तो 19,200 या 210 का ये सपोर्ट जोन रहेगा। लेकिन निफ्टी में अभी अगर हम जैसे देखें कि बाकी के मार्केट भी ऊपर अच्छे खासे क्लोज हुए हैं, एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और मार्केट जो है बुलिश जोन में रह सकता है, तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप की रहेगी। जहां पे भी छोटे छोटे सपोर्ट के आसपास हमें मिलता है वहां पे हम डेफिनेटली निफ्टी के लिए बाय में जाएंगे। अब जो रेंज हमारे लिए निफ्टी की हो गई है वो 19,450 से लेकर 19,800 की रेंज जो है रह सकती है। जब भी 19,450, 19,500 के आसपास आएगा ऊपर जाकर मार्केट, तो डेफिनेटली हम जो है बाइंग साइड में रहने की कोशिश करेंगे, बाइंग साइड में ही हम जाएंगे। तो ये प्लान है निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि मैंने कहा कि दिवाली के दिन शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग ये किस लिए किया जाता है? जैसे कि हम कोई भी शुभ मुहूर्त पर एक वेल्थ की चीजें या प्रेशियस चीजें बाय करते हैं, जैसे कि सोना है, गाड़ी है, घर है, वैसे ही शेयर्स भी बाय किए जाते हैं। इसे भी वेल्थ क्रिएशन का एक प्रतीक, या फिर ये जो शेयर्स होते हैं हमारी वेल्थ में ग्रोथ करते हैं। तो आपको इस मुहूर्त ट्रेडिंग पर शेयर्स बाय करने हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर है। शेयर्स आपको बाय करने हैं, कोई भी शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए, छोटे से छोटा या सिंगल शेयर्स भी बाय करके आप अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुहूर्त ट्रेडिंग पर शेयर्स खरीदना शुभ माना जाता है। और आपने भी अगर शेयर्स बाय किए हैं मुहूर्त ट्रेडिंग पर तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिखे, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोगों ने मुहूर्त ट्रेडिंग पर शेयर्स जो है वो बाय किए हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक के लिए क्या मूवमेंट रह सकती है। जैसे निफ्टी ने अपने एक मेन रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी ने भी अपने मेन रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, बट बाकी के मार्केट देखकर हमें ये पता चल रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि वो ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हमें नहीं चाहिए। हमारी जो मेन क्लोजिंग होनी चाहिए वो 19,850, ये हमारी मेन क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो निफ्टी जो है वैसे भी चार्ट पर बैंक निफ्टी बुलिश लग ही रहा है, बस इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब बुलिश जोन में बैंक निफ्टी भी आ चुका है।
अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 44,050-60 का, और उसके बाद में जो छोटा रेजिस्टेंस हम कह के चल सकते हैं 44,300 का, और जो मेन रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो 44,680-700, ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए सबसे मेन रहेगा। ये पूरे वीक की मैं बात कर रही हूँ, मैं इंट्राडे के लिए ये छोटे छोटे हर्डल्स जो है बैंक निफ्टी फेस कर सकता है, लेकिन जो मेन रेजिस्टेंस है जहाँ से फॉल शुरू हुआ था मार्केट का, बड़ा फॉल शुरू हुआ था, उसे अगर क्रॉस कर जाता है तो फुल बुलिश जोन में बैंक निफ्टी आ जाएगा, एक बड़ी रैली फिर हम वहाँ से आगे देख सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ एक वीक में ही होगा हम ऐसे नहीं कह सकते, तो इन छोटे छोटे हर्डल्स पर भी हमें ध्यान देना है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 43,520 और 43,320 ये जो है ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो बाय और डीप की होनी चाहिए। जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं, छोटे छोटे डीप मिलते हैं, वहां पर हम डेफिनेटली बाय के लिए नेक्स्ट वीक में जाएंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग की लिंक्स दी गई है, आप वहां पर जाकर कोई भी एक अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के छोटे छोटे सपोर्ट जो इंट्राडे में होते हैं, कहाँ पर बुलिश लग रहा है, कहाँ पर बेरिश लग रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हम कहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, इस तरह का अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन